नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। समाचार एक्सप्रेस ने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के साथ एक खास मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समाचार एक्सप्रेस से कई बातों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है वह जमीन पर नहीं दिखी और आगे नहीं दिखेगी तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। अर्थव्यवस्था को राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर सही रूप से धरातल पर लाएगी, तभी कुछ हो पाएगा। राज्य सरकार को केंद्र से जीएसटी की राशि नहीं मिली है, यह राशि मिलती तो विकास कार्य होता। छोटे व्यापारियों का मामला अस्त व्यस्त है। समाचार एक्सप्रेस से रूबरू होते हुए उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउस का काम 15% रह गया है, माइनिंग सेक्टर पूरी तरह से बंद है, एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति थोड़ी ठीक है, छत्तीसगढ़ धान का पैसा बीमा की राशि मिली जिससे पैसे का बहाव हुआ है, केंद्र सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा कि लगता है कि पढ़ाई जान से कीमती नहीं है, कोरोना को गंभीरता से लेना चाहिए। विधायक ने कहा कि लगता है कि एक साल पढ़ाई की दिक्कत रही तो अगले साल ठीक पढ़ाई होगी। 22 देशों में वैक्सीन की तैयारी चल रही है, चूंकि केंद्रीय मंत्री ने वैक्सीन जल्द आने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने धान का बोनस दिया है, गोधन योजना क्रांतिकारी कदम है, रोका छेका आदि बातों को देखें तो छत्तीसगढ़ की समावेशी विकास की योजना है जिससे हमारी पारंपरिक व्यवस्था मजबूती हुई है। छत्तीसगढ़ में 15 साल एक सरकार थी, उसे हमने काम करते देखा है। अभी सरकार को 15 माह हुए हैं। राजनांदगांव से संवाददाता राशि जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और इस सरकार की खासियत यह है कि बड़ी चुस्त देख रहे हैं इसमें है योजनाओं में, तो जो योजनाएं हो रही ठीक है, फाइनेंस के कारण कुछ चीज़ें परेशानी आ रही है क्रियान्वयन में, लेकिन वो योजनाएं धरातल पे पहुंच रही हैं, कड़ाई से उसका पालन हो रहा है और योजना जल्दी ही अपने मूर्त रूप ले लेंगे। ओके, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने पहले तो जो ब्याज माफ़ी करी और जो ऋणों को कुछ दिन तक डाला वो तो एक अच्छा स्तर था, लेकिन कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणाएं की वो ज़मीन पर अभी तक नहीं दिखे और आगे नहीं दिखेगी तो अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के जब सही रूप से इसको मतलब इसको एक मूर्त रूप से कोई धरातल पर लाएंगे तभी भी मतलब हो पाएगा। जैसे राज्य सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को आज एक बड़ी राशि जीएसटी के रूप में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। तो जीएसटी की राशि मिलने से यहाँ कम से कम कुछ विकास कार्य होते, शासन पैसा खर्च करते योजनाओं में, तो वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। और जो छोटे और जो फुटकर व्यापारी हैं, जो लघु व्यापारी हैं, उनका तो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। हमला प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं, जो निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनका प्रोडक्शन आज 10% 15% कर गई है, और बड़े पैमाने पर लोगों को फैक्ट्रियों से, उद्योगों से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, क्योंकि लॉकआउट है, लॉकडाउन है, तो जो खदाने हैं, जो माइनिंग सेक्टर है वो पूरी तरीके से बंद है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको रिवाइव हुआ है। हम लोगों के लिए तो हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री माननीय जी ने जो एक अच्छी तरीके से कृषि कार्यों को लागू किया और साथ में जो धान का पैसा दिया, बीमा की राशि दिलाई, ये सब चीज़ों से कम से कम छत्तीसगढ़ में पैसे का सर्कुलेशन और हमारा कम से कम ऑटो सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, वो चीज़ संचालित हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरे देश में एक बड़ा स्लो डाउन है और यदि केंद्र सरकार ने ठोस कदम धरातल पर नहीं उठाया तो बड़े बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे, लोगों की शक्ति कारण लोगों की रोजगार के साधन समाप्त हो जाएंगे, नौकरी चल जाएंगे और ऐसे में अर्थव्यवस्था पूरी चल रहा है। मैं एक सेकंड छत्तीसगढ़ के लिए अपन बात करते हैं तो आप बहुत सीनियर विधायक हो और छत्तीसगढ़ की राजनीति या देश की राजनीति के लिए आप नए नहीं, कोई नया चेहरा नहीं, चार बार के विधायक संसद रहे हो। खासतौर छत्तीसगढ़ की बात करूँगा कि आज बच्चों का जो फ्यूचर, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, छत्तीसगढ़ के अंदर मतलब टोटली सब कुछ बंद है, तो इसकी वजह क्या है, क्या है इससे बच्चों के भविष्य का? देखिए, एक साल पूरा जा रहा है पढ़ाई के लिए, इसमें दो अलग अलग बातें हैं। मैं नहीं समझता कि पढ़ाई चांद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों में वायरस कभी फैल गया और बच्चों में अगर संक्रमण हो गया तो बच्चे की अगर जान चला जाए तो अगर पढ़ा लिखा रहेगा बच्चा भी तो क्या कर पाएगा। और आपको ये बता दूँ कि कोरोना के संक्रमण को लोग बड़ा सीरियसली नहीं ले रहे हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो गए, लेकिन आज ये पता लग रहा है कि एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद, दो महीने बाद उनको फेफड़ों में अभी भी, उनकी फेफड़ों में तकलीफ है, सांस में अभी भी तकलीफ है ना, तो छोटी मोटी बीमारी नहीं है। मुझे लगता है बच्चों को दूर रखना चाहिए उसको, और मैं ये मानता हूँ कि एक साल अगर शिक्षा की परेशानी रही है तो अगले सत्र में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करके करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोबाइल वोबाइल से या इससे कोई ज़्यादा पढ़ाई हो पाती है। और मैं खुद मैंने फेस किया है, मैं आपको बता दूँ कि हम लोग कक्षा 9वीं 10वीं में थे, जब कक्षा 7वीं 8वीं में थे हम लोग, जब भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी, और भोपाल गैस ट्रेजडी में लगभग 8 महीने तक स्कूलें बंद थी और हम लोग घर पे ही थे, मतलब हम लोग छत्तीसगढ़ आ गए थे, उसमें भोपाल छोड़ के वापस ऊपर गए, 8-9 महीने तक संक्रमण था, और चूँकि सारे स्कूल उसी क्षेत्र में थे, ईदगाह क्षेत्र में थे, इसलिए भोपाल में तो 8 महीने, तो हमने वो सब देखा है, मतलब कि प्राकृतिक आपदा ऐसा होता है कि पढ़ाई कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, जान का खतरा और बच्चों जैसे तो हम धके नहीं सकते। वैक्सीन भी आज तक इसकी तैयार नहीं हो पाई है। देखिए, तो सारे विश्व लगे हुए हैं, 28 देशों में वैक्सीन की तैयारी परीक्षण चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया है हर्षवर्धन जी का कि जनवरी में वैक्सीन हो जाएगी। देखिए, उसके लिए तो आप केवल हम ईश्वर से, आप अल्लाह से दुआ करें कि जल्दी चीज़ आ जाए। और खास तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? देखिए, पूरा कोविड में अर्थव्यवस्था, पूरी पूरे देश में अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई कोविड-19 से, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और सरकार को, जिन्होंने बड़े ठोस निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने उठाए, और धान का बोनस देना इतनी विपरीत परिस्थितियों में जबकि आर्थिक स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हैं, और ये जो गौधन योजना, गौधन न्याय योजना में जो गोबर की योजना चालू करी, ये तो क्रांतिकारी योजना है, और रोका छेका का प्रोग्राम है, जो ये सारे कार्यक्रम एक इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव ग्रोथ का, जो हम एक समावेशी विकास की बात करते हैं, तो भूपेश बघेल जी ने ये जो उदाहरण दिया है जिसमें कि हम जानवर को बांध के रखते हैं रोका छेका में, उसके लिए हम गौठान में व्यवस्था करते हैं, और उसके गौधन से हम पैसा अर्न करके स्वटाइम पैसा वापस करते हैं ग्रामीण अवस्था तक, उससे क्या है कि जो हमारी जो पारंपरिक, हमारी जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं वो मजबूत हुई हैं, और इससे क्या है, इससे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के बाद भी कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ी हुई है। वैसे का सर्वेक्षण साल की सरकार है और विकास का कार्य कहीं ना कहीं तो छत्तीसगढ़ में रुका हुआ है। अभी तो 2 ही साल, अभी तो 2 साल ही पूरे नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं मेरे गए, छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं तो विकास रुका हुआ है। नहीं, ऐसा देखिए, तो ये रोड और नाली देख के विकास नहीं माना जाएगा, बहुत सी चीजें हैं जो, या हो सकता है कि संक्रमण की वजह से, देखिए ये आपकी सोच हो सकती है, मेरा ऐसा कहना है कि 15 साल तक एक सरकार थी, हमने उसको 15 साल तक काम करने दिया, देखा, ठीक है, अभी सरकार को 1.5 साल हुए हैं, 1.5 साल भी इसलिए नहीं कहना चाहिए कि मतलब। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.